जिंदगी के पहले भरे बचपन च बीत गए ते कुछ को भरे के चाबी पढ़ाई में गुजरे मनुखता भी कुछ कर सका ए सोच मैं मेडिकल कॉलेज MBBS में दाखला ले लिया पर इत्थे ऐश प्रस्ती ते किसे भी कीमत ए ना मुकन वाली मौज मस्ती वाला माहौल वेख मैं भी उसे विच बह तुरिया ते कुछ समा अयैशी कर दें मोड़ा ते खड़ दें मतलब ते यारा ना कटिया तो कटिया किस्म के बखाल कर दिया ते जाम टकराते हुए बीत गए मैंने जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल नीरस महसूस हो रही थी। जिंदगी में नवा मोड़ उदो आया जो तो कॉलेज की हड़ताल समय मैं पहली बारी बुद्धिजीवी अध्यापकों के कुछ खब्बे पक्षियों के भाषण सुने ये सब गलत मेरे लिए नवी सन जिन्होंने मेरे अंदर कई सवाल खड़े किए मसलन हस्पताल में आ रहे मरीजों के लिए दवाइया टेस्टों की सुविधा क्यों नहीं रिजर्वेशन ते गैर रिजर्वेशन की लड़ाई क्यों ते सब तो वड़ी गल कि जो लोग गरीब ने वो गरीब क्यों ने मैं अपने अध्यापकों को जा मिलिया ते उन्होंने मैनू कुछ किताबां पढ़ने लिख दे रहे कुछ को किताबां की गल हुई फिर की सी किताबां पढ़ने का कुछ ऐसा घुस पिया कि जिंदगी बदल गई कुछ किताबां पढ़ के बहुत मजा आया ते कईयां ने दिल इन्ना शांत किया कि रातां दी नींद उड़ गई मैं कई महान लोगों नूं पढ़िया मैं रूस में हुए इंकलाब बारे पढ़िया मैं चीन के इंकलाब बारे पढ़िया फिडल कास्ट्रो की गवाही में हुए क्यूबा के इंकलाब बारे पढ़िया पढ़ के दिमाग जिवें हिल जा रहा एहसास होया कि मनुख अपने आप की कितनी बड़ी ताकत है इन्हों मुल्क ने लोगों को ना लैके सेहत सिक्ख्या सनत खेतीबाड़ी में जो मुकाम हासिल किया उसको वेख के कोई भी तंग रह जाए या किसी भी रोटी पानी रहायश रोजगार की कोई चिंता ही नहीं ते समाजिक बुराइया का जिवें इन्हों मुल्क चो खात्मा हो चुका नशे औरतों के होर जुल्म मनते ते वैशागर्दी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं क्यूबा बारे पढ़ते जिस व्यक्ति तो मैं सब तो वध प्रभावित होया उसी डॉक्टर अर्नेस्टो चीक वेरा एक डॉक्टर जो अर्जेंटाइना दे विच पैदा होया ते अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के दौरान अपने दोस्त ना मिल अपने देश के लोगों का रहन सहन देखण मोटरसाइकिल निकल पे ते अपने देश विच अंता दी गरीबी बीमारी ते भुख मरी नाल लताड़े हुए लोगों नूं वेख चेक वेरा ने लिखिया इन्हां लोगों की मदद लई अगे आउणा एक मिशन है ते मिशन डॉक्टरी विज्ञान की चापड़ा वड्डा हिस्सा पाउण नालों किसी भी तरह घट महत्वपूर्ण नहीं ते जे तुहानूं इस संसार में किते भी होण वाले सुन ते न्याय के खिलाफ गुस्सा आउंदा है तां तुसीं मेरे साथी हो चेक वेरा नूं पढ़ के मैं सोचिया कि क्यों ना मैं भी भारत घूम के वेखां थोड़ा सोचा तो लगा कि शायद संभव नहीं है फिलहाल मेरे लिए फिर मैं सोचा कि क्यों ना शुरुआत मैं अपने शहर तो करा मैं अपने अध्यापकों के दोस्तों मित्रों से गल की ते अपने शहर तो शुरू करने का फैसला किया शहर में शॉपिंग मॉल सिनेमाघर रेस्टोरेंट तो बहुत पीछे से पर इस बार शुरुआत भगत सिंह के कहे अनुसार बस्तियां तो करनी सी मैं अपना बैग कुछ दवाइया ते होर समान लै मोटरसाइकिल ते बस्तियां वालों निकल ते जल्दी मैं शहर के इलाके में पहुंचा रामनगर कलोनी के बाहर मैं अपना मोटरसाइकिल ला कलोनी के बाहर मैं अपना मोटरसाइकिल ला बस्ती के अंदर वालों चलते ते लोग मैं इंज वेख रहे जिवें मैं कोई सरकारी स्कीम लैके आया हूं अजय मैं बहुत आगे नहीं गया कि लोगों ने मैनू पूछ ही लिया साथ ही
साहब जी राशन कार्ड बनाना है। बाऊजी 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 मेरा मेरा पेंशन वाला कार्ड बना दे। मैं सोच रहा सी कि किस तरह समय दिया सरकारा ते कुछ एनजीओस ने इन्हां लोकां नूं इन्हां दे हक देण दी बजाय खैरात विचों जाया होया ममता बना के रख्या होया इन्हां ने लोकां नूं। एक बार फिर भगत सिंह दे बोल मेरे मन में आए कि असी किसी भी समस्या का हल खैरात दे माध्यम नाल नहीं कर सकते। मैं उन्हां नूं दस्या कि मैं सरकारी हस्पताल विच डाक्टर हां ते तुहाडे दुख तकलीफ ते जिंदगियां बारे जानना है ताकि कुछ कर सका। इस तो पहला कि मैं कुछ होर कहता एक 16-17 साल का मुंडा जिम्मे बोल ही पे डॉक्टर साहेब अरे काहे की जिंदगी है हमारी सारा दिन तो बस दो वक्त के खाने के जुगाड़ में लगे रहते और पतले में मिलती है बस कालियां। मैं उन्हें पूछा तेरा नाम की है ते काम की करता है। शहर का कूड़ा करकट और गंदगी उठाता गंदगी उठाता सीवरेज नालियां लोगों के घरों की सफाई भी हम लोग ही करते हैं। और ये लोग पता नहीं क्या समझते हैं। अभी कल की बात कि एक गटर की सफाई करने के बाद पीने के लिए पानी मांग लिया और वो बाबूजी मेरी आंखों के सामने पट्टी धोने वाले मग्गे में पानी लेकर आए और बोले ले पी ले नाम का क्या है डॉक्टर साहेब। अरे नाम का क्या है, अरे कुछ भी कह लीजिए। माँ ने तो बहुत प्यार से रखा था राजकुमार। राजकुमार नाम दे दिए कूड़े वाला नाली वाला चूड़ा आरामी भागी और पता नहीं क्या क्या डॉक्टर साहब और पता नहीं क्या दिल्ली नू दिलो सा दे चुकी
मुंडे की गल सुन धक्का जा लगा कि कैसे समाज में रह रहा सी जिथे असी इंसान नु इंसान समझो ते गुरेज कर रहे। मैं अफसोस से हैरानी सी कि पूरे शहर की सफाई करने वाले लोगों के घर इन्नी भयंकर हालत में क्यों चारे पासे गंदे पानी के शिकायत के ढेर हवा विच मनुखी ते जानवर ते मल की फैली पई है बदबू अधरंगे ते गली विच खेती जा रहे बच्चे ते मक्खियां मच्छरां लिए जगह जिवें स्वर्ग हो गए। मैं अपने आप नूं संभालते हुए एक कंध का सहारा लै अपने आप नूं चिक्कड़ ते पानी तो बचांदिया एक घर के दस्तक दे प्लास्टिक ते लकड़ की मदद नाल बने एक झुग्गी नुमा घर के बाहर एक 60-70 साल की माता ते 12-2 साल की बच्ची बैठे रात के खाने का बंदोबस्त कर रहे। बच्ची मेरे वाल वेख रही सी ते मैं कुछ औखा औखा महसूस कर रहा सी इन्ना औखा कि मेरे को चरिया नहीं सी जा रहा। उसदियां अखां दे डूंगे नीला पिछे जरूर कुछ सी। मैं उन्होंने जान उन्होंने नमस्ते किया वो बच्ची उठ के अंदर चले गई। मैं माता नूं दस्या माता जी मैं डॉक्टर हाँ ते तुहाडी सेहत की जांच कर माता ने मैनूं दस्या कि इत्थे तां हर कोई बीमार अजे पिछलियां गर्मियां आ नुक्कर वाले घर दो बच्चों की मौत टट्टियां लगन करके हो गई ते दो घर छड एक 4 महीने का बच्चा बहुत बीमार है उसनूं वेख के जावी। मैं माता ने दस्से घर का दरवाजा खटाया कुप हनेरे कमरे विचो जिथे रोशनी की मसा ही कोई किरण पहुंच रही सी एक 15-16 साल की प्रवासी औरत बाहर आई। मैं उसको नमस्ते किया ते अपने बारे दस्या उसने भी मैनू अगों कुछ किया पर मैनू उसकी किसी गल की कोई समझ नहीं आई। हैने नू माता भी मेरे पिछे पिछे आई ते कहन लगी वे पोते दा नाम गीता आ हे मैं चाही बांग्लादेश तो आई आ हैनू पंजाबी हिंदी समझ नहीं आती। माता ने मेरे ट्रांसलेटर खत्म किया ते गीता नूं अंदरों बच्चे नूं लिया नहीं गया। जिवें गीता अपने 4 महीने के बच्चे नूं लैके आई तो मैं वेख्या कि बच्चे नूं तां तेज बुखार है जिवें बच्चे नूं मैं अपने हत्थां विच लिया तो मैनूं इंज लगा जिवें मैं किसे पिंजर नूं फड़िया होवे। उसदी हड्डियां दी चुभण मैनूं महसूस हो रही सी बच्चा जिवें मेरे हत्थां चो तिल तिल जा रहा सी। बच्चे दी शक्ल कि वो वाकई किसी इंसान का बच्चा सी बच्चे की जांच करने तो बाद मैं पता लगा कि बच्चे नूं तां निमोनिया है। मैं गीता नूं कहा देखो बच्चा गंभीर कुपोषण का शिकार है इसकी छाती जाम है ते सब बहुत तेजी ना चल रहे हैं इसनूं जल्द तो जल्द हस्पताल ले जाओ। इसको पहला कि मैं कुछ होर कहंदा कोल खड़ी माता फिर बोल मैं पुत्र तू इलाज कर दे इस बेचारे का
पैसे है नी साडे कोल हस्पताल जान जोगे, पैसे है नी साडे कोल हस्पताल जान जोगे। मैं बैग विचों कुछ दवाइयां कट गीता नूं दित्तियां ते हदायत दित्ती, देखो 6 महीने तक बच्चे नूं सिर्फ अपने दुध देना, जिन्नी बार भी बच्चा पीवेगा उन्ना ही चंगा। हां सच एक गल होर, जदों बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाए तो इसने ऊपरली खुराक मतलब खाना पीना देना शुरू कर देना, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर एक सवाल मेरे मन अंदर घर कर गया से, क्यों बच्चा क्यों बच्चा 6 महीने का पूरा होने तक जिंदा भी रह सके। वैसे भी सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर रोज 9000 बच्चों की मौत केवल कुपोषण करके हो जाती है, क्यों बच्चा भी उन आंकड़े का हिस्सा बन जाएगा। सब कैरी ना सिर वरदे जित मर के जो बुल जाते ने भूत जठेरे तू मगदा नहीं मैं सूरदा कमिया। कुछ को दिना बाद मैं अपना बैग के समान फिर चुक शहर एक दूसरे इलाके बंगला बस्ती पहुंचे। बस्ती के बाद मैंने मशीनी युग का एक अजीब नमूना वेखन मिले, एक घुमियार मोटर के उत्ते घड़े ते दीवे बना रहा सी। दिवाली कोल सी पर की इन्हां लोकां दे घरां च भी कदी दिवाली आउंदी है। चलो मशीनी युग दा कुछ तां फायदा होया इन्हां लोकां नूं। खैर मैं तंग गलियां चलां बस्ती दे अंदर वल दाखल होया। इह गलियां इन्नियां तंग सी कि इक्को समय दो लोकां दा लंघना भी मुश्किल सी। गलियां ते सलाबियां होईयां कंधां, हवा विच अजीब जिही किस्म दी बदबू, पता नहीं सी लगता कि बदबू कित्थों आ रही। एक ही कमरे में सौन लिए मजबूर परिवार के 7-8 जी। क्यों कमरा सी? और कमरा सी क्या भेड़ा का वाड़ा? मैनू नहीं पता। स्क्रैप के ढेर चो तांबा से लोहा करते छोटे छोटे बच्चे उन्होंने मावा नानिया ते दादी। मैं उन्होंने तो जाने नमस्ते क्या ते दस्या, भैन जी तुहानू पता लगा कि सरकारी हस्पताल में जनेपे ते 5 साल तक की कुड़ियों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होंगे, इसमें जनेपा कदी भी घरे नहीं करवाना, सरकारी सुविधावां का फायदा लो। इस तो पहला कि मैं कुछ होर कहना कोल बैठा आदमी जिवें मेरे ते भड़की पिया, अरे चाहिए चाहिए डॉक्टर साहब, अरे हमरे हमरे हाथ पर छोड़ दीजिए, चार भी हो जाते अगर उस रोज गया था मैं सरकारी अस्पताल अपनी बीवी को लेकर। दर्द से दर्द नहीं थी वो, अस्पताल की डॉक्टर ने नर्स को कहा साली कुतिया के पहले ही 3 बच्चे हैं, एक और पैदा करने चली। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 5000 रुपए मांगे।
देता भी कहां से, देता भी कहां से, मेरे पास थे भी नहीं। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल जाने को कहा। हर अस्पताल जाते समय मेरी बीवी दर्द से तड़पती हुई मर गई, मर गई। नहीं नहीं, वो मरी नहीं, मार दी गई, मार दी गई, मार दी गई, मार दी गई। गया था, क्या था मैं सरकारी अस्पताल, मुफ्त सेवाएं लेने, पर क्या लेके आया, लेके आया एक लाश, एक लाश। मैं उस आदमी की आवाज तो बात, वो तो बहुत तेजी का निकले, सोच रहा से कि सब तो वक्त पवित्र मने जाने कितने नूं इस सिस्टम ने अपनी जकड़ विच लै लिया। क्योंकि अक्सर ही हस्पताल विच मैं कुछ डॉक्टरां नूं पर्चियां ते सर्जरियां तो पैसे लेंदे बड़ी टौर ना वेख्या सी कि वाकई वो आदमी की गल्लां सच सी। खैर खैर मैं बस्ती के अंदर वाल नूं दाखिल होया ते घर जाके दस्तक दित्ती, एक औरत मेरी बाह फड़ मैनूं थोड़ा साइड ते लै गई ते कह लगी, डॉक्टर साहब जी मेरी कुड़ी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब जी सारा दिन चुप चुप ही रही, डॉक्टर साहब जी रोटी टोकरी घर की खाती है, डॉक्टर साहब जी किसी ना गल नहीं करती, डॉक्टर साहब जी दो महीने तो इस महामारी नीचे आई, मैं मानी मत कि गवाच गया ते उन्हां कुड़ियां बारे सोचन लग पाया जड़िया रोटी के चंद टुकड़े बदले अपना जिसम बेचती हैं, उन्होंने खून की कमी न पीले पाए ते सस्ते पाउडर की चमक न लगोए सावले चेहरे मेरी अखों के अगे घूम रहे और मैं बुला है। डॉक्टर साहब जी की होया, डॉक्टर साहब जी कुछ नहीं माता जी, तुसी जो कह रहे थे ना उसका कारण खून की कमी हो सकती। मैं बैग विचो आयरन दी गोलियां कट उस कुड़ी नूं दित्तियां ते नाल ही बैग विचो किट कट उस कुड़ी दे पेशाब दा टेस्ट कीता। ओ टेस्ट पॉजिटिव निकले। हुण मैं की करा मैं उन्हां नूं कुछ नहीं दस सकिया शायद उन्हां नूं ये पहला सब पहला ही पता। मैं उन्हां नूं सरकारी हस्पताल जाण लई कहा पर कुड़ी कभी हस्पताल गई मैनू नहीं पता
नहीं पता पगला बस्ती तो निकल मैं बहुत ही टुट्टे मानते नार अपना मोटरसाइकिल चौक अपने घर वालों तौर पर जगह जगह से गो सिटी क्लीन एंड ग्रीन स्वच्छ भारत मिशन जिथे सोच उथे शौचालय के बोर्ड लगे थे एक लाल बत्ती से मैं रुकया एक बस्ती के हालात इन्हों फोके झूठे प्रचारों वेख मेरी अखा के सामने आ गए एक औरत गंदे नाले के उत्ते बने पाखाने के कोल बैठी भांडे मांज रही उन्होंने वेखते ही पता लग जाता है उन्होंने घर के बच्चों के हालात तो सरकार कहती है जिथे सोच उथे शौचालय शुद्ध आहार हाथ धो के खाओ और माफ करना सरकार की माफ करना पहले इन्होंने लोगों हाथ धोने के लिए साफ पानी खाने के लिए रोटी शौचालय बनाने जगह का दो हे लोग गरीब जरूर ने पर मूर्ख नहीं एक पुलिस वाला मैं मेरे सुपने की दुनिया चो बाहर कटता है ओ हेलो चल चल अगे ना दीदा भी तेन ते मैं सोच रहा कि इन लोगों की जिंदगियां किवें चल रही ने जिंदगियां किवें चल रही बीमारियां ते मौतां भी एक कतल ले धोखे नाल साजिश नाल कीते जा रहे कतल ते साजिश दा एक इलाज है जो भगत सिंह ने कहा जो चीख बहरा ने कहा इनकलाब ते सिर्फ इनकलाब लोकां दा इनकलाब ते लोकां दे दुबारा चीख बहरा ने कहा एक इनकलाबी डॉक्टर बनने तो पहला तुहानू इनकलाब की लोड़ होगी मैं तो जा रहा कमांडर जी के रस्ते थैंक यू वेरी मच